हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20 20 मई 2021 के दिल्ली करंट अफेयर्स सीरीज में द हिंदू एनालिसिस से आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द फर्स्ट आर्टिकल फॉर टुडे इज COVID-19 जो वैक्सीन है उसमें जो भी डिफर्ड शॉट्स हैं उन्हें 3 मंथ्स के लिए डिले किया गया है या डिफरेंस उनका बोला गया है कि 3 महीने होना चाहिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया है। तो क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या क्या कहा गया है देख लेते हैं कि द COVID-19 पेशेंट्स जिन्हें एंटी सार्स मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज और कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा दिया गया है शुड ऑल्सो डिटर द वैक्सीनेशन बाय 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के डिस्चार्ज से 3 मंथ्स के बाद उन्हें दिया जाना चाहिए, मिनिस्ट्री ने ये रिकमेंड किया है। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा है कि COVID-19 की जो वैक्सीन है वो फॉर ऑल द नर्सिंग मदर्स उनको भी अब दिया जाना चाहिए, पहले ये गाइडलाइंस नहीं थी। अब जो मिनिस्ट्री ने रिकमेंडेशन जिनका एक्सेप्ट किया है वो कौन है, तो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर COVID-19 दैट इज NEGVAC, ये एक ग्रुप बनाया गया था, एक कमिटी आप बोल सकते हैं, और उन्हीं के ही रिकमेंडेशन के थ्रू ये जो न्यूज है या ये जो रिकमेंडेशन है वो एक्सेप्ट किया गया था। अब ब्लड डोनेशन वालों के लिए यदि देखें तो पर्सन विथ एनी अदर सीरियस जनरल इलनेस रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन और ICU केयर शुड ऑल्सो वेट फॉर 4 to 8 weeks बिफोर गेटिंग द COVID-19 वैक्सीन। मतलब उनको भी अब 4 to 8 weeks के लिए वेट करने बोला है वैक्सीन के लिए जिन्हें हॉस्पिटलाइज या ICU में एडमिट किया गया था। ठीक, अब जो मैटर ऑफ वैक्सीन था जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए रखा गया है वो डिस्कशन हुआ और फर्दर उन्हें डिलीबरेट किया गया बाय द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन दैट इज NTAGI। तो यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप की बात है, NTAGI और दूसरा है आपका NEGVAC, ये दोनों को आप ध्यान रखेंगे। दिस ऑल आर कनेक्टेड विद दिस COVID-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। ओके, सो आई थिंक कि ये यहाँ से आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर हम बढ़ेंगे। तोते जो हमारा सीवियर सुपर साइक्लोन हिट हुआ था और उसका जो अफेक्ट है वह यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मुंबई के जो शोर है जिसे आप खास करके जानते होंगे बॉम्बे हाई के नाम से, वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था ONGC के द्वारा और वहाँ पर ही उनके क्रू मेंबर्स को क्या किया गया है, रेस्क्यू किया गया है। तो 186 क्रू मेंबर्स ऑफ अकोमोडेशन बार्ज P305 इस नाम का एक बोट था एंड 2 फ्रॉम टग वरा प्रधा, ये दो नाम के जो दो आपको दिख रहे हैं ये बोट के नाम हैं और दे हैव बीन रेस्क्यूड बाय द नेवल शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। कौन कौन से शिप इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं, तो INS कोच्चि लगा हुआ है और INS इंडियन नेवल शिप कोलकाता, ये दोनों का नाम आप याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन आपको पूछा जाए। इनके अलावा जो नेवल शिप्स हैं उनमें INS तेग, बेतवा, ब्यास, P8I एयरक्राफ्ट एंड सीकिंग हेलीकॉप्टर्स, ये सारे कंटिन्यू सर्च कर रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। इनका नाम इसीलिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया जो फ्लड अफेक्टेड एरिया था जो कि अफेक्टेड था इस यहाँ पर जहाँ पर भी ये तौते जो तूफान आया हुआ था, तो गुजरात को उन्होंने विजिट किया और उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए का असिस्टेंस अप्रूव किया है फॉर इमीडिएट रिलीफ एक्टिविटीज। और इनका बाकी जो अपोजिशन पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शिवसेना, उनका कहना था कि वो खाली गुजरात गए महाराष्ट्र नहीं गए, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब मोदी जी ने जो एक्सग्रेशन अनाउंस किया है दैट इज ऑफ 2 लाख रुपीज फॉर दोज हु किल्ड ड्यू टू द साइक्लोन इन ऑल अफेक्टेड स्टेट्स, सभी राज्यों में जिन जो भी मारे गए हैं इस तूफान पर उनके लिए 2 लाख रुपए का मुआवजा ऐसे ग्रेसिया दिया गया है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। और अब जो तोते की न्यूज जो भी आएगी
वह उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगी। तो आपको सीवियर साइक्लोन जो तौते था उनको मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, उसको आप देख लीजिएगा जब हमने उसे किया हुआ है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगली न्यूज पर। एक न्यूज और हमने कवर की थी इन द लास्ट टू डेज, तो एनजीओस को जो FCRA एक्ट है उसके तहत अकाउंट ओपन कराना था, उसके लिए उन्होंने पिटीशन लगाया हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद होम मिनिस्ट्री ने जारी किया है कि दैट अकाउंट्स कैन बी ओपन टिल 30th of June, जो कि उनको डेडलाइन दी गई थी, उनको अब एक्सटेंड किया गया है। March 31 तक वो डेडलाइन थी, बट अब उसे एक्सटेंड करके 30th June तक कर दिया गया है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑन ट्यूजडे एक्सटेंडेड द एनजीओस टू एक्टिवेट अकाउंट्स विद इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच इन न्यू दिल्ली, ठीक है, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट टू रिसीव फॉरेन फंड फ्रॉम March 31st to 30th of June, यहां तक कि उनको एक्सटेंशन मिला है। बैंक ने क्लेम किया SBI ने कि 78% ऑफ द एनजीओस हैज क्लेम्ड सॉरी हैज ओपन देयर अकाउंट और एप्लीकेशन उन्होंने दे दिया है, बट स्टिल 22% आर रिमेनिंग। तो उनके लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अब ये जो 30th June की जो टाइमलाइन दी हुई थी, इस पर भी कुछ एनजीओ ने, कम से कम 5 एनजीओ ने फिर से दिल्ली हाई कोर्ट पर एक प्ली लगाई है कि उसे 6 माह के लिए और एक्सटेंशन दिया जाए, बट ये सब चीज बाद में होती रहेगी। आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है फॉर FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, मैंने इसको कवर किया हुआ है, आप वीडियो प्रीवियस देखिएगा FCRA का, वहां पर से ही न्यूज थी इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर बताया। और रजिस्ट्रेशन में भी रिलीफ दी गई है, दैट इज नॉट ऑफ अवर इम्पोर्टेंस, बस इतना याद रखिएगा कि अगर इसमें कोई और बड़ा कोई क्लेम आता है, कोई चेंजेस आते हैं, तब हम इसे डिटेल में देखेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज इज जस्ट अ इन्फॉर्मेशन दैट पुतिन एंड सी जिनपिंग जो है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू न्यूक्लियर प्लांट्स का लॉन्च किया है वर्क का, जो कि रशिया और चाइना के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से चाइना में बनाया जा रहा है। चाइना में कहां कहां पर, ताइवान एंड जुदाबुआ, ओके, ये दो जगह न्यूक्लियर प्लांट्स बनाया जा रहा है। जो ताइवान प्लांट है वह ऑपरेशन में है सिंस 2007 और जो जुदाबाओ का जो स्टेशन है वह स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। बस इतना ही आपको याद रखना है। नेम ऑफ द प्लेसेस थोड़ा सा आप देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी कहीं न्यूक्लियर प्लांट्स को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनक्लेट रिजेक्ट्स थिरू अरुरन एक्स CMD's प्ली। अब हमारे को ये थ्रू अरुरन के न्यूज से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए जो टर्म इंपॉर्टेंट है दैट इज एनक्लेट। एनक्लेट क्या होता है, द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या होता है। तो इट वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इनके फंक्शंस क्या क्या है, पहला फंक्शन है इट हियर अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of June 2016। इसके बाद इट इज अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय NCLTs अंडर सेक्शन 61 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। वेरी इंपॉर्टेंट कोड अगेन विद द इकोनॉमी सेक्शन। तो दो चीजें आपको यहां से पता चली। फिर थर्ड है इट इज द अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर passed by the IBBI, Insolvency and Bankruptcy Board of India under section 202 and section 211 of IBC, ठीक है, IBC जो बनाया गया है उसमें एक IBBI भी constitute किया गया है, Bankruptcy, Insolvency and Bankruptcy Board of India, उनके भी cases को ये hear करेगा। और ये appellate tribunal बनाया गया है to hear and disposal of cases against any direction और डिसीजन मेड और ऑर्डर पास बाय कंपटीशन कमीशन फॉर इंडिया दैट इज CCI। तो CCI का, IBBI का और IBC का, NCLT, इन चार ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यदि कोई अपील आती है इनके खिलाफ तो वह NCLAT जो है वह उस पर जो है अपना हियरिंग या अपील जो है उस पर सॉर्ट आउट करने का काम करेगा। अब इसका कंपोजिशन देखते हैं। प्रेसिडेंट जो होगा ट्राइब्यूनल का और चेयरपर्सन होंगे और जुडिशियल मेंबर होंगे शैल बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ में कंसल्ट करके इनका जो भी अपॉइंटमेंट है वो किया जाएगा।
member of the tribunal and the technical members of appellate tribunal shall be appointed on recommendation of a selecting committee. एक कमिटी बनाई जाएगी सिलेक्शन की, जिस पर कौन कौन होंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज नॉमिनी चेयर पर्सन होंगे उनके. सेकंड है अ सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये मेंबर होंगे. देन थर्ड इज सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये मेंबर होंगे. सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो तीन मिनिस्ट्री हो गए, कॉरपोरेट अफेयर्स, लॉ एंड जस्टिस एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री, और दो हमारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जस्टिस हो गए, चीफ जस्टिस हो गए, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया एंड सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस. ओके, तो ये पांच मेंबर्स मिल करके एनक्लेट को फॉर्म करते हैं और इनकी जो कमिटी बनती है और इनके द्वारा जो है प्रेसिडेंट और ट्राइब्यूनल और चेयरपर्सन के मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है. ठीक, अब तो एनक्लेट के बारे में आई थिंक आपको क्लियर होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ट्राइब्यूनल है, जो कि काम करता है कंपनीज के डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए. देन हम आगे बढ़ेंगे और ये है हमारा आज का एडिटोरियल आर्टिकल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, मराठा रिजर्वेशन के केस के बेस को आधार मानकर इन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है ऑथर ने. और इन्होंने कहा है कि जो 5th ऑफ मई में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो कि रिजर्वेशन दे रही थी मराठा कम्युनिटी को, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, तो उन्हीं पर इनका जो आर्टिकल है, उनका कहना है कि क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बार बार सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट्स ने ये इंटरप्रिट किया है कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल. तो इस पर ही इन्होंने पूरे की पूरी आर्टिकल को लिखा है. हम इसमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है वह इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि इस पर जो फाइव बेंच, फोर जजेस की बेंचेस बैठी हुई थी, सॉरी फाइव की, उसमें से फोर जजेस ने जो कि कमेंट लिखा, उस पर तीन चीजें इंटरप्रिट की जा सकती. पहली क्या है, द कोर्ट हेल्ड दैट द मराठा कम्युनिटी डिड नॉट कंस्टिट्यूट अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास. कोर्ट को लगता है कि मराठा कम्युनिटी जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास नहीं है. यही दो आधार बनाया गया है किसी भी कम्युनिटी को बैकवर्ड घोषित करने का इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंडली, द जज डिस्कवर्ड दैट द लॉज वॉज द ब्रीच ऑफ अ रूल previously set by the court disallowing reservation made in excess of 50% of the total available position. 50% से ज़्यादा का reservation का जो process एक rule बनाया गया था court के द्वारा, उसका भी ये breach है, उसका भी एक इसको तोड़ता है बोल रहा है. और third बोल रहा है कि and finding the two judges on the bench dissented that the court held state government has no independent power to declare a group as a backward class. Third ये पॉइंट निकल के आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है. अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ये हम देखते हैं. द आइडिया फॉर रिजर्वेशन ऑट टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू 50% डज नॉट स्टेम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है. द टेक्स्ट ऑन द आर्टिकल 16(4) एंड 15(4) व्हिच कन्फर पावर ऑन द गवर्नमेंट टू मेक रिजर्वेशन कंटेन्स नो सच लिमिटेशन. 16(4) इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को दिखाता है और 15th आर्टिकल है दैट इज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द योर कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा. तो ये दोनों पर भी जो आर्टिकल है, यहाँ पर भी कहीं भी वो रिजर्वेशन का जो लिमिट है वह कहीं पर भी नहीं दिया गया है. फिर स्टेट ऑफ केरल वर्सेस एनएम थॉमस केस जो हुआ था 1975 में, उसमें ये कहा गया था कि 50% हैव टू बी डीम्ड इनकंट्रोवर्स. यहाँ पर बोल दिया गया था कि 50% का जो रिजर्वेशन है वह इसका गलत है. ठीक है, लेकिन इंदिरा सोनी केस जो हुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, उसमें फिर से इन्होंने एक पैराडॉक्स सिचुएशन पर डाला और उनका फिर से वो क्या किए, अपने ही डिसीजन को रिवर्स कर दिए. तो ये जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा सोनी केस, आप जरूर इसको देख लीजिएगा. किसी दिन अगर अच्छा कोई आर्टिकल इस पर बेस्ड आएगा तो मैं जरूर डिस्कस आपसे करूंगा. और पॉलिटी की क्लास जब भी हम लेंगे तो वहां आपको ये केसेस बता दिए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है. अब थोड़ा सा लिस्टिंग पर स्टैंड देखते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ईच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस सेपरेट लिस्ट डिक्लेयरिंग कम्युनिटीज एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड. सेंटर भी लिस्ट जारी करता है और स्टेट भी लिस्ट जारी करता है. बट इंदिरा सोनी केस में
A determination of backward classes was made by the National Commission for the Backward Class. उस केस में ये कहा गया था कि नेशनल कमीशन जो होगा बैकवर्ड क्लास का वही इसको देखेगा, सेंटर पर जो देखेगा वो नेशनल कमीशन होगा और स्टेट लेवल पर जो देखेगा वह रीजनल कमीशन होगा, ऐसा उस केस पर सुझाया गया था। तो दिस डिविजन इन द पावर विच गेव स्टेट्स ऑटोनॉमी टू क्लासिफाई ग्रुप्स एज बैकवर्ड स्टूड इन कॉन्ट्रास्ट टू द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और लिस्ट है आर्टिकल 342 एंड 341, इन दोनों लिस्ट के कॉन्ट्रास्ट में आता है। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे देते हैं तो वो स्टेट इस दोनों लिस्ट के कॉन्ट्रेडिक्टरी हो जाता है। तो इसका जो पावर है 341 342 वह कहा गया है कि दिस इज सोलली विद द यूनियन गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, दैट इज 102nd अमेंडमेंट 2018 में आया हुआ था। इसमें था कि विच ग्रांट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। उसके साथ में ये 342 ए एक इंक्लूड किया, यहीं पर 342 ए यहां से जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट notify group of persons with such a state who are deemed to be socially and educationally backward. यहाँ पर उन्होंने president को यह power दी है कि they can consult the state for declaring the group socially and educationally backward. अब यहाँ पर फिर से any such center list and the clause clarified could only be altered by the parliament. parliament के ही द्वारा उसे alter किया जा सकता है। article 366 का 26C ये बोलता है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो कि डिफाइंड है एज अ बैकवर्ड क्लास आर सो डीम्ड अंडर आर्टिकल 342A फॉर द पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। 342A का जो इंपॉर्टेंस है वह यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाता है। और लास्ट में ऑथर ने सजेस्ट किया है कि द चेंजेस एज इंटरप्रिटेड बाय द कोर्ट आर बाय मीन्स सुपरफिशियल, they direct impede the ability of state to secure a social justice. और इस तरह से उन्होंने एक और कोट कहा है कि यूनियन गवर्नमेंट ने एक पिटिशन फाइल किया हुआ है फॉर दिस जजमेंट। तो जब भी ये ऐसा कुछ डिसीजन होगा कोर्ट का या इस पर कोई और सुनवाई होगी फर्दर, तो वी विल डिस्कस इस पूरे पर्टिकुलर आर्टिकल में। मेरा बताने का आपको ये मतलब था कि यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स आपको प्रोवाइडेड है जहां पर उनका जो स्टेटमेंट है वह दिया गया है, इनको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द दिस आर्टिकल एडिटोरियल एंड द नेक्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट द सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा पर यह आर्टिकल आया हुआ है। काफी अच्छा आर्टिकल है बट डिस्कसिंग दिस आर्टिकल इज नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट वेरी मच pointing towards the current affairs। मैं आपको बोलूंगा कि आप जा करके जरूर social security code जो कि 2020 में पास हुआ इसको एक बार आप देख लीजिएगा, इस पर क्या कुछ important points हैं। तो this is all about today's newspaper analysis। हम मिलेंगे अपने next analysis पर, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए and thank you all।